ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल में नेशनल हाईवे से शामगढ़ के पास, जहां पर ये ढाबा पिछले करीब 10 सालों से चल रहा था। दरअसल आज इस पर डीटीपी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। प्लानर जो है नोडल ऑफिसर है कमेटी में, मैं उसमें मेंबर हूँ और उसमें हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है लगातार। कोर्ट के सख्त आदेश हैं, 2013 में कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, तो उसके ऑर्डर्स ही हम लगातार जो है इम्प्लीमेंट करके जा रहे हैं। तो CLU वगैरह कुछ नहीं, कुछ अप्लाइड नहीं है इसमें, CLU वगैरह कुछ अप्लाइड नहीं है। उसके नाम संदेश है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं सख्त ही होगी हमेशा, प्रशासन भी सख्त है इसके लिए और इसके कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल में नेशनल हाईवे से शामगढ़ के पास, जहां पर ये ढाबा पिछले करीब 10 सालों से चल रहा था। दरअसल आज इस पर DTP विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि ये ग्रीन बेल्ट का इलाका है और ग्रीन बेल्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार ये ढाबा यहाँ पर चल रहा था। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर मौजूद है ताकि कोई भी काम के बीच में, जो प्रशासनिक काम है, सरकारी काम है, उसके बीच में कोई बाधा ना बने। साथ ही साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं, DTP मैम मौके पर हैं और तमाम अधिकारी मौके पर हैं। और आप देख सकते हैं जो ढाबा है उसे सामान बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लगातार DTP विभाग की तरफ से पूरे करनाल ज़िले में कार्रवाई की जाती है। अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है अपने काले पैसे से, तो उसके ऊपर भी हमने देखा है कि करनाल पुलिस और DTP विभाग मिलकर कार्रवाई करता हुआ नज़र आता है। और आज जो कार्रवाई की जा रही है, ये ग्रीन बेल्ट का इलाका है, यहाँ पर तमाम पौधे होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, यानी कि ग्रीनरी एरिया होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ढाबा चल रहा था, CLU कोई नहीं था और इसी के चलते यहाँ पर ये कार्रवाई करने के लिए DTP विभाग और तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों से अपील ये भी है कि करनाल ज़िले में बहुत सारे लोग आकर अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, वो काटते हैं और कई लोग कई बार लालच में आकर कम पैसे के चक्कर में वहाँ पर प्लॉट ले लेते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब एक नई बात सामने निकल कर आई है, वो ये है कि बहुत सारे लोग अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं वहाँ पर UP के लोगों को प्लॉट बेचते हैं, तो ये भी एक कानूनी जुर्म है और इसके खिलाफ भी लगातार जो कार्रवाई है वो DTP विभाग की तरफ से की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। करनाल के शामगढ़ के अंदर ये होटल है, ये ढाबा है, पिछले 10 सालों से लगातार ये चल रहा है और यहाँ पर आज कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं JCB मशीन यहाँ पर बुलाई गई है और उसी के जरिए जो तमाम कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। उससे पहले मोहलत दी है कुछ कि आप अपना सामान बाहर निकाल सकते हैं। ज़रूरी हो जाता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ होती हैं या अवैध प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर जो है अवैध तरीके से कोई ढाबा चल रहा होता है, कोई होटल चल रहा होता है या कोई बैंकेट हॉल चल रहा होता है, और तो ऐसे में DTP विभाग वहाँ पर कड़ा एक्शन लेता हुआ नज़र आता है। और ये कार्रवाई करनाल के शामगढ़ में हो रही है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 साल से ये ढाबा यहाँ पर चल रहा था, नेशनल हाईवे पर ग्रीन बेल्ट का जो एरिया है वहाँ पर ये ढाबा चल रहा था और ऐसे में अब कार्रवाई DTP विभाग की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों से अपील ये भी है कि ध्यान रखें, अगर कोई आपको अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदने के लिए कहता है तो बिल्कुल प्लॉट मत खरीदिएगा, क्योंकि आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, आपको उसमें आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। और फिलहाल ढाबे का जो सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि JCB मशीन शुरू हो गई है और रिटर्न में जो है वो लिया गया है
और फिलहाल यहाँ पर हम पहुँचे थे करनाल में नेशनल हाईवे पर, जहाँ पर ये ढाबा है और ढाबे पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। हालांकि रिटर्न में ले लिया गया है और रिटर्न में लेने के बाद जो सामान है, जगह है, वो खाली करवा दी गई है। आज डीटीपी विभाग की तरफ से करनाल ज़िले में अलग अलग जगह कार्रवाई की गई है। करनाल के शामगढ़ के पास भी एक ढाबे को गिराया जा रहा है। क्या है पूरा मामला मैम, किस लिए ये कार्रवाई? कार्रवाई जो है, जो ग्रीन बेल्ट में ढाबा बने हुए हैं उनके खिलाफ हो रही है कार्रवाई। सरकार सख्त है, ग्रीन बेल्ट में कोई भी ढाबा जो है नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही अनऑथराइज्ड है, तो इसी के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके लिए कमेटी भी बनी हुई है जिसमें सीनियर टाउन प्लानर जो है नोडल ऑफिसर है कमेटी में, मैं उसमें मेंबर हूँ। और उसमें हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है लगातार, कोर्ट के सख्त आदेश हैं, 2013 में कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, तो उसके ऑर्डर्स ही हम लगातार जो है इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो CLU वगैरह कुछ नहीं, कुछ अप्लाइड नहीं है इसमें, CLU वगैरह कुछ अप्लाइड नहीं है इसमें। तो आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी मैम? हाँ जी, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जितने भी ग्रीन बेल्ट में हैं उनको हटाया जाएगा। और कहाँ कहाँ कार्रवाई हुई है आज? आज 2 राइस मिल में जो सेटबैक वायोलेशंस हैं उनको हटाया गया है और उनको वार्निंग दी गई है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सेटबैक्स जो है अपने खाली करेंगे और DTP ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे। तमाम और लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, उनके नाम कोई संदेश? उसके नाम संदेश है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं सख्त ही होगी हमेशा, प्रशासन भी सख्त है इसके लिए और इसके कोई भी ढील नहीं दी जाएगी इसके लिए। एक आखिरी बात, और बहुत सारे लोग कम पैसों के चक्कर में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में घर ले लेते हैं क्योंकि उन्हें अनऑथराइज्ड कॉलोनी में घर जो है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बिल्कुल जो है सतर्क हो चुके हैं। आज मुझे जो है बिल्कुल ऑफिस में आके लोगों ने बताया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उसमें बिल्कुल भी जो है प्लॉट वगैरह नहीं ले रहे हैं। ये जो कॉलोनी बेचने वाले हैं ये UP कंसर्न से जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए उकसा रहे हैं। ये भी एक नया मामला सामने आया है, तो इसके बारे में मैं कंसर्न्ड SHO और DC साहब से बात करूँगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। नेशनल हाईवे पर तमाम ढाबे हैं जो ग्रीन बेल्ट के एरिया में बने हुए हैं और वहाँ पर लगातार DTP विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाती है। और आज एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए कृष्णा ढाबा, जो शामगढ़ गांव के पास पड़ता है, वहाँ पर DTP विभाग की टीम पहुँची थी। 2 JCB की मशीनें पहुँची थी और साथ ही साथ पुलिस बल पहुंचा था ताकि कोई भी जो कानून व्यवस्था है या सरकारी काम है उसमें बाधा ना डाले। और यहां पर सामान उतरवा लिया गया है, ढाबे को बंद करवा दिया गया है और एक रिटर्न में ढाबा मालिक की तरफ से दिया गया है कि इस ढाबे को हम खाली कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन बेल्ट का एरिया है, ग्रीन बेल्ट में कोई भी प्रॉपर्टी इस तरीके की ढाबी, ढाबा, बैंकेट हॉल या फिर कोई होटल है तो वो नहीं चलना चाहिए। और ऐसे में कार्रवाई की जाती है DTP विभाग की तरफ से और फिलहाल इस ढाबे को बंद करवा दिया गया है। आप लोगों से अपील इस बात की है कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आप भूलकर भी अपना मकान मत खरीदें क्योंकि वहां पर अगर आप मकान खरीदेंगे तो उसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल यहां पर रिटर्न में दे दिया गया है ढाबा मालिक की तरफ से और जो JCB मशीनें हैं वो यहां से चली गई हैं, ढाबा फिलहाल बंद हो गया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।